जी वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं बता दूं, मैं अभी कपड़े यकीन कीजिए चेंज करके बैठा हूँ। ये वीडियो आज मेरी लेट आ रही है, आपको पता है 3-4 घंटे पहले की निस्बत। उसकी रीज़न भाई इतनी बारिश, इतनी बारिश। मैंने एक वीडियो बनाई है, शहर में भाई दरियाओं का समय है, जैसे वादियाँ बह रही हैं सऊदीया में। तो बहरहाल कल मैं, आज तो नहीं, आज तो टाइम ज़्यादा हो गया, कल 12 बजे तकरीबन जब आपको रेस्ट होगी उस टाइम शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा जी, वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम डॉलर के मतलब ही बात कर लेते हैं, जैसे कि हर वीडियो में करते हैं जी। और आज का रेट आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ मैं, साथ में 288.52 रुपये हो चुका है, यानी कि कल की निस्बत आज डॉलर तकरीबन 60 पैसे महंगा हुआ है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, पाकिस्तान में, सऊदी में तो नहीं होती है छुट्टी, मुझको पता है। सऊदी में तो हम 9 मुहर्रम हो, 10 मुहर्रम हो, हाँ जुम्मे वाले दिन आ जाए तो छुट्टी है। जैसा कि इस बार 9 मुहर्रम पाकिस्तान में जुम्मे वाले दिन आ रहा है, और सऊदी में जुम्मे वाले दिन आ रहा है, और आपका 10 मुहर्रम जुम्मे वाले दिन है सऊदी वालों का, तो भाई आपको तो छुट्टी होगी 10 मुहर्रम, यानी कि जुम्मे की छुट्टी होगी, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी होती है। ये बात इसलिए कर रहा था कि मेरे हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए, और तमाम कारोबार, तमाम खाने पीने वाली चीज़ें बंद होनी चाहिए 9 और 10 मुहर्रम को। बहरहाल जी, अच्छा जी, अगर बात करें 9-10 मुहर्रम के, यार सॉरी यार, दिमाग किसी और तरफ जा रहा था। 9-10 मुहर्रम को पाकिस्तान में भाई स्टेट बैंक क्या तमाम बैंक क्लोज रहेंगे। इस दिन आपको पाकिस्तान में अगर आपने पैसे भेजे हुए तो आपकी फैमिलीज़ को नहीं मिलेंगे, ये आपको मैं बताना चाहूँ। हाँ, ATM कार्ड बना हुआ, फिर आप कहीं से भी निकलवा सकते हैं। आगे बात करें जी, अगर हम रियाल रेट की, तो वो आपको, बहरहाल रियाल रेट आपको साथ में दिखा रहा हूँ मैं। आज का 76 रुपये 28 पैसे, इंडिया 21 रुपये 83 पैसे, बांग्लादेशी टका 28 टके 95 पैसे। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बता देता हूँ मैं, रियाल रेट में भी भाई बेहतरी हो रही है। और इनमें मनीग्राम की अगर बात करें तो आज का रेट 75 रुपये 78 पैसे हाई रेट है भाई, और इनका 10, 17 और 23 रियाल फीस है। वैसे ओपन मार्केट की बात करें पाकिस्तान में, तो मैंने अभी भी आज भी अपने शहर से पूछा है, 76.5 से लेकर 77 के अराउंड में दे रखे हैं, लेकिन कल कुछ भाई मुझे क्विंट करके बता रहे थे कि भाई 78 रुपये प्लस में पाकिस्तान में दिया जा रहा है। अगर बात करें जी टैली मनी यानी कि ANB बैंक की, तो इनका आज का रेट 75 रुपये 82 पैसे, इनका भी हाई रेट है, 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है जी इनकी। अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो भाई वेस्टर्न यूनियन ने तो सबको पीछे छोड़ दिया है, 76 रुपये 2 पैसे रेट है जी वेस्टर्न यूनियन का आज का, और इनकी 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर तहवील राजी, राजी बैंक की बात करें तो इनका आज का रेट 75 रुपये 70 पैसे हाई रेट जा रहा है जी राजी का भी, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। एंड अगर बात करें STCPay की, तो STCPay का आज का रेट भाई 75 रुपये 66 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है जी इनकी भी। फौरी बैंक यानी कि बैंक जजीरा की अगर बात करें तो भाई इनका आज का रेट 76 रुपये 48 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। एंड अगर बात करें इंजाज बैंक की, तो इंजाज बैंक आज का रेट दे रही 75 रुपये 72 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर क्विक पे की बात करें तो भाई क्विक पे का आज का रेट 75 रुपये 88 पैसे, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। और अगर ओवरऑल बात कर ली बैंकों के हिसाब से, तो तकरीबन 76 रुपये के नज़दीक पहुँच चुके हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों तक 80 के करीब पहुँचेंगे, ये मेरा मानना है। और आज की वीडियो कुछ घंटे लेट आ रही है जी, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में यार जो बारिशों का सिलसिला है ना, मैं एक वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, वो देखिएगा, मैंने लाइव बनाई है शहर से भाई, दरिया आपको दिखाई देंगे शहर के अंदर।